अब देखिए फोर्थ में क्या पूछा है हमसे कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का। उसने कहा है कि जो एपी है हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या बीसी का, तो हमें यही देखना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे इस वाले ट्राइंगल्स को लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है हमें। ठीक है, हमने लिया ट्राइंगल बी टी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट सा डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि हमने अभी ही सॉल्व किया था थर्ड में, थर्ड में यही प्रूफ किया था हमने ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें क्या हो गया बीपी इज इक्वल टू सीपी, किससे हुआ था ये सीपीसीटी से, सीपीसीटी से हुआ था ना। अब यदि हम बात करें ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, इसे भी हम बोल सकते हैं सी पी सी टी, मतलब बी पी डी और एंगल सी पी डी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर कौन कौन से एंगल है बी पी डी और सी पी डी। अब ये दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है हमारे पास में, तो यदि हम इसकी बात करें तो क्या हो गया है बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये 180 डिग्री क्यों आया, तो ये इसलिए आया यदि स्ट्रेट लाइन होती है तो वहां पर क्या होता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर होती है और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और इसमें कितने एंगल है टू ही एंगल है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो बट इस इक्वेशन में क्या कहा है इसमें सीपीसीटी रूल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यदि हम इसको सम कर दें इक्वल है, तो यदि इसको एक्स लिख रहा हूं तो इसको भी एक्स लिख सकता हूं मैं, इक्वल ही है, वाई लिख रहा हूं तो वाई लिख सकता हूं। तो यदि हम इसको लिखे डी प्लस या फिर हम ठीक है प्लस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी पी डी क्योंकि इक्वल है हम कुछ भी दोनों में से कुछ भी एक पार्ट ले सकते हैं, तो ये कितना हो गया एंगल टू एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई में है एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बीपीडी 90 डिग्री है तो बीपीडी के इक्वल क्या है सीपीडी, एंगल सीपीडी। तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का हो गया तो मतलब परपेंडिकुलर है इस कंडीशन, यदि 90 डिग्री है आ रहा दोनों साइड तो क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यही प्रूफ करने का बोला था उसने। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपका जो होमवर्क है ठीक है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, और बात आती है हमारी असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट हम एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में आपको देंगे। ठीक है, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर टू आपको करना है।